in the name of allah most gracious most merciful Rahim. my name is fahad khan i am physics lecturer in islamia boys college archer road quetta we are studying chapter 6 fluid dynamics today our main topic is about equation of continuity reviews लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक था हमारे पास फ्लूट फ्लो फ्लूट कोई भी ऐसी चीज़ जो बह सकती हो उसे हम कहते हैं फ्लूट फ्लो फ्लूट के बहने को स्टडी करने को हम कहते हैं फ्लूट फ्लो फ्लूट फ्लो जैसा कि हम जानते हैं फ्लूट के मॉलिक्यूल्स और एटम के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होती है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस फिनमिना को हम कहते हैं फ्लूट फ्लो फ्लूड फ्लो को हम मजीद दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं एक स्टडी और लेमिनर फ्लो सेकेंड टर्बुलेंट फ्लो व्हाट इज स्टडी और लेमिनर फ्लो जब मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूट एक दूसरे को फॉलो करते हुए विद स्पेसिफिक डायरेक्शन और स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मूव करें और टाइम के साथ इनकी ना ही वेलोसिटी और ना ही डायरेक्शन चेंज हो तो उसे हम कहते हैं स्टडी और लेमिनर फ्लो व्हाट इज़ टर्बुलेंट फ्लो द इरेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो व्हाट इज आइडियल फ्लूड इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कॉस फ्लूड इज कॉल्ड आइडियल फ्लूड व्हाट इज़ इनकम्प्रेसिबल और आइडियल फ्लूड ऐसा फ्लूड जो कंप्रेस ना होता हो और नॉन विस्कॉस हो उसे हम कहते हैं आइडियल फ्लूड नॉन विस्कॉस मीन जो गाढ़ा ना हो वॉट इज आइडियल फ्लूड आइडियल फ्लूड जब आइडियल फ्लूड हमारे पास बहेगा तो उसके फिनोमिना को हम कहते हैं आइडियल फ्लो, जो हमारे पास प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आउटलाइंस तो आज का हमारा मेन टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे सेकंड उसका फार्मूला देखेंगे तो उसके फार्मूले में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड लास्ट उसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेफिनेशन व्हेन फ्ल्यूट इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप जब कोई फ्लूड किसी पाइप में से गुजरेगा देन इट्स टोटल मास एट एनी इंस्टेंट तो इसका जो मास होगा टोटल मास किसी भी लम्हे एंड एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया और किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे रिमेन द सेम हमेशा सेम रहेगा एग्ज़ाम्पल अगर हम पिक्चर में देखें पिक्चर में गौर करें हमने एक पाइप कंस्ट्रक किया है जो नीचे से थोड़ा पतला है अपर साइड से थोड़ा मोटा है अगर नीचे वाली साइड को ग़ौर से देखें तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए वन वो हमारे पास कम है और इसी तरीके से अगर ऊपर वाले साइड को हम देखें गौर से तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास वो ए टू ज़्यादा है बड़ा है लेकिन अगर लेंथ डेल एक्स वन देखें तो नीचे वाले पॉइंट पर डेल एक्स वन ज़्यादा कवर हो रहा है बनस्बत ऊपर वाले डेल एक्स टू की तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि जब कोई फ्ल्यूड किसी पाइप में से गुजरेगा तो किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पर या किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर ऑलवेज सेम रहेगा फार्मूला फार्मूला ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू एरिया वन वेन वी मल्टीप्लाई द एरिया टाइम्स विलॉसि ऑफ वी वन वो हमारे पास बराबर होगा एरिया ऑफ ए टू टाइम्स ऑफ वी टू एक्सप्लेनेशन लेटस्ट कंसिडर अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस हमें बता रहा है कि चलो हम इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म है वट इज द मीन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कि जो नीचे से पतला है और ऊपर वाली साइड से हमारे पास थिक है मोटर है अ फ्लूड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप और जो फ्लूड है वो गुजर रहा है पाइप के अंदर से अंडर स्टेडी फ्लो कंडीशन और जो फ्लूड हमारे पास बाद में से गुजर रहा है वो फॉलो कर रहा है स्टेडी स्टेट कंडीशन को स्टेडी स्टेट कंडीशन के हर एक मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सो वी डिफाइन टू डिफरेंट पॉइंट्स पी एंड अदर इस पॉइंट क्यू तो हम इनको दो पॉइंट्स डिफाइन करेंगे एक पॉइंट पी एंड अदर इस पॉइंट ट पॉइंट पी पॉइंट पी के ऊपर जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको हम नाम देंगे ए वन का विलासिटी ऑफ द फ्लूड और जो विलासटी होगी फ्लूड की उसको हम वी वन का नाम देंगे एंड द डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम और जो डिस्टेंस वो कवर करेगा टाइम में उसे हम डेल एक्स वन का नाम देंगे चलिए क्वेश्चन ड्राइव करते हैं दैन द मास ऑफ द फ्लूट विल भी अगर हम कंसिडर करें मास ऑफ द फ्लूट एट पॉइंट पी तो डेल एम वन जो चेंज इन मास हमारे पास वहाँ से गुजर रहा है इज़ इक्ल है डेंसिटी ऑफ अ फ्लूट टाइम्स वॉलीम सो वी कैन राइट इट तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेल एम वन इज़ इक्वल टू डेंसिटी क्रॉस वॉलीम इसे हम इक्वेशन वन का नाम देंगे हमें पता है कि वॉल्यूम हमारे पास दो चीजों के बराबर होता है एरिया टाइम्स लेंथ तो पॉइंट इक्वेशन वन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे डेल वी इज इक्वल टू एरिया शोज द ए वन पॉइंट क्योंकि हमने पॉइंट पी कंसिडर किया है एंड लेंथ डेल एक्स वन वी वॉल्यूम की इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी डेल एम वन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूड इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ पाइप एंड द डिस्टेंस या लेंथ कवर बाय द फ्लूड कॉल्ड डेल एक्स वन तो इसे हम इक्वेशन टू का नाम दे देंगे Up del x1 it is the length of a fluid then we can say that what is v1 v1 is the velocity at point p1 so del x1 is the length divided by time it shows the velocity formula when we arrange the formula then we got velocity v1 times del t1 is equal to del x1 हमारे तो पास डेल एक्स वन की वैल्यू आ गई है लेंथ इज़ इक्वल है हमारे पास वेलोसिटी टाइम्स वेलोसिटी और टाइम्स के बराबर सो so, हम इक्वेशन लिख सकते हैं हमारे पास जब हम डेल एक्स वन की वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी डेल एम वन बराबर है हमारे पास डेंसिटी टाइम्स ए वन इज़ इक्वल है वेलोसिटी टाइम्स डेल टी वन डल एम वन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइपी ऑफ अ फ्लूड इन टू टाइम्स एट पॉइंट पी इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थ्री का नाम देंगे इसी तरीके से सिमिलरली एट पॉइंट क्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट क्यू के ऊपर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए टू से ज़हर करेंगे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे हम वी टू से ज़हर करेंगे एंड डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम उसे हम डेल एक्स टू से ज़हर करेंगे तो एट पॉइंट क्यू के ऊपर जो हमारे पास फ्लूट का मास होगा वो हमारे पास होगा डेल एम टू इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूट क्रॉस वॉल्यूम तो अगर वही चीज़ हमारे पास जो हमने पहले ही क्वेश्चन ड्राइव की है अगर इसी को फॉलो करें तो हमारे पास जो एट पॉइंट क्यू के ऊपर जो मास की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल एम टू इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूड एरिया टू वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूड टू एंड टू टाइम्स टू इसको हम इक्वेशन फोर का नाम दे देंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट एनी इंस्टेंट अगर इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी को देखें किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एट एनी इंस्टेंट मीन्स यहाँ पर टाइम का कॉन्स्टेंट या टाइम हमारे पास कुछ भी हो सकता है तो हम कंसिडर करेंगे एट पॉइंट क्यू एंड एट पॉइंट पी के ऊपर डेल टी वन इज इक्वल टू डेल टी टू ये दोनों बराबर हैं हमारे पास डेल ऑफ टी के एज अ फ्लू डज इनकम्प्रेसिबल हम जानते हैं जो फ्लूड इसमें फ्लो कर रहा है वो इनकम्प्रेसिबल है कंप्रेस नहीं हो सकता सो so, जो मास हमारे पास पॉइंट पी के ऊपर और मास एट पॉइंट क्यू ये दोनों हम कंस्टर करें कि ये दोनों बराबर हैं तो डेल एम वन इज़ इक्वल टू डेल एम टू सो जब हमने ये दोनों इक्वेशन लिखी तो डेल एम वन शोज द इक्वेशन थ्री एंड डेल एम फो एम टू शो द इक्वेशन फोर जब इज़ इक्वल के साइड हम दोनों क्वेश्चन लिखेंगे तो हमें पता लगेगा डेंसिटी ए वन वी वन डेल टी वन बराबर है डेंसिटी ए टू वी टू टाइम्स टी टू जैसा कि हमने ऊपर देखा डेल टी वन इज इक्वल टू डेल टी टू बराबर है डेल ऑफ टी के तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ए वन वी वन टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू डेंसिटी ए टू बी टू टाइम्स ऑफ टी के बराबर है तो दोनों तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास टी कॉमन है तो उसे कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग इसी तरीके से दोनों तरफ डेंसिटी ऑफ फ्लूट वहाँ ऑलवेज सेम रहेगी उसे भी हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास सिंपल ए वन बी वन इज़ इक्वल टू ए टू बी टू ये चीज़ बचती है ये हमारे पास इट इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटर्निटी एंड इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमारे पास शो करती है मैथमेटिकल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कंटर्निटी की और इसे हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है देन ए वी इज इक्वल टू वी तो अगर हमने पूरे पाइप में सिर्फ दो पॉइंट रजिस्टर किए थे तो हमने कहा ए वन वी वन बराबर है मतलब कि अगर एक पॉइंट को कंस्टर करें वहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वहाँ से जो फ्यूड गुजर है उसकी वेलोसिटी को अगर हम कंबाइन करें प्रोडक्ट करें तो वो किसी और जगह पर उसके एरिया और उसकी वेलोसिटी के बराबर होगा तो अगर जनरली बात की जाए अगर मैं एक पाइप को थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स में कंस्ट्रक करता हूँ तो हर एक पॉइंट पर उसके वो पॉइंट्स सेम ही रहेंगे तो जिस वजह से हमने कहा अगर ए और वी को काउंट करें तो हर एक पॉइंट के ऊपर वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द स्पीड ऑफ अ फ्लूड इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट एंड इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट मीन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द स्पीड ऑफ अ फ्लूड को अगर हम प्रोडक्ट करें इज इक्वल वो हमेशा हमारे पास बराबर रहेगा वॉल्यूम उस वॉल्यूम के जहां से फ्लो कर रहा है फ्लूट और ये हर एक जगह पॉइंट पर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा थैंक यू